अलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आपकी मोहब्बतों का कर्ज़दार फिल्म राइटर मोहम्मद कमाल पाशा। तो आज मुझे आपकी आंखों के सामने अपना चेहरा इसलिए लाना पड़ा कि कुछ दिन पहले मैंने एक फिल्म जिसके चर्चे शायद लाहौर की सरहदें पार करके, इस मुल्क की सरहदें पार करके दुनिया तक पहुंच गए हैं, जिस फिल्म का नाम है लाहौर कलंदर। तो उस फिल्म के कुछ गाने और ट्रेलर मैंने देखा। ख़ास तौर पर मैं एक सच्ची तारीफ पर यकीन रखता हूं, और वो तारीफ़ है फिल्म के हीरो जिनकी पहली फिल्म है अल्तमश पट की, जिसकी अदाकारी देखकर बकायदा ये गुमान होता है कि ये इस आर्टिस्ट की पहली फिल्म नहीं बल्कि इससे पहले भी ये बेपनाह फिल्में बना चुका होगा या उसमें किरदार अदा कर चुका होगा। आप यकीन करें कि उसने हर सीन में, हर सिचुएशन पे बकायदा मुझे दम बखुद कर दिया। और दूसरी बात, लाहौर कलंदर की सबसे बड़ी खूबसूरती हमारी हीरोइन साइमा बेगम का कमबैक है। वो साइमा जी जो बेपनाह फिल्मों में काम कर चुकी है, यकीन करें कि जैसा कि आजकल हमारी फिल्म इंडस्ट्री में फीमेल हीरोइनों का कहत है, साइमा बेगम आपको इस फिल्म के बाद महसूस होगा कि जैसे कोई नई हीरोइन पर्दे स्क्रीन पर आई है। दूसरी बात, शाहिद राणा फिल्म के जो हदायतकार हैं उनकी मजबूत डायरेक्शन है, और मेरा जिगरगोशा मेरा दोस्त नासिर अदीब ने भी अपने कलम को एक बार फिर अपनी आबोताब से चमकाया है। और मैं इंशाअल्लाह ताला बड़े वसूख से ये दावा करता हूँ कि ये पिछली बनने वाली तमाम फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। इसका म्यूज़िक भी लाजवाब है, जिसके लिए मैं ताफो साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने फिर